अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्रैकर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। एंड दीज रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आर वेरी यूजफुल फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसपीएससी एंड अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। हर साल इसमें से ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपके साथ तमाम जो भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं या इंडाइसेस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में भी। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे पहले वीडियोस भी आप देख लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट एंड it is released by international labor organization and it mainly focuses on labor issues like unemployment, social security, economic inequality and various other factors that exclude people from decent work. And the next is annual status of education report and it is released by NGO Pratham for last 15 years and it is a nationwide survey of education and it mainly focuses on some outcomes of learning and arithmetic problems and skills. And next is State Energy Efficiency Preparedness Index. It is released by Bureau of Energy Efficiency. It is the cleanest, cheapest and fastest way to achieve India's sustainable development goals like affordable and clean energy, responsible consumption and production, and climate actions. And next is Global Social Mobility Index. It is released by World Economic Forum and it assesses the world economies on 10 pillars spread across 5 main dimension of social mobility like health, education, technology, work and protection. Next is Corruption Perception Index. It is released by Transparency International and it scales the countries from 0 to 100, and 0 is the highly corrupt country and 100 is the clean country. So now discussed all these in detail. So let's get discuss these in detail. First is World Employment Social Outlook Report. It is released by International Labour Organization. और इसका main focus रहता है employment के issues पे, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, लेबर अंडर यूटिलाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग पॉवर्टी एंड अदर फैक्टर्स जो किसी भी इंसान को किसी अच्छे काम से दूर कर दें। इन मेन इश्यूज पे इसका फोकस रहता है इस रिपोर्ट का। एंड सेकंड इज एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर। नेशन वाइड सर्वे ऑफ रूरल एजुकेशन और इसका जो फोकस है वो लर्निंग आउटकम्स पे है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स पे। इसको कंडक्ट करता है एनजीओ प्रथम पिछले 15 साल से और एसर 2020 जो है ये फर्स्ट एवर फोन बेस्ड एसर सर्वे है, क्योंकि कोविड की वजह से जो स्कूल्स बंद हो गए थे उसकी वजह से वो सर्वे नहीं हो पाई, तो इसीलिए उन्होंने फोन पे ही सर्वे की। इन 2017 एजर बियॉन्ड बेसिक्स फोकस्ड ऑन द एबिलिटीज, एक्सपीरियंस एंड एस्पायरेशंस ऑफ यूथ इन द 14 टू 18 एज ग्रुप। 2017 में एजर ने एक कंपेन चलाई जो बियॉन्ड बेसिक्स थी
जिसको बेसिक्स के अलावा भी जैसे एक्सपीरियंस पे जोर दिया जाता था, एबिलिटीज पे स्टूडेंट्स की और उनकी क्या एस्पिरेशंस थी उस पे जोर दिया गया। एंड नेक्स्ट इज स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयरनेस इंडेक्स, इसको रिलीज करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देन एनर्जी एफिशिएंसी इज दी क्लीनेस्ट फास्टेस्ट चीपेस्ट वे टू अचीव इंडिया सस्टेनेबल गोल्स। एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये सबसे क्लीनेस्ट, सबसे फास्टेस्ट और सबसे चीपेस्ट वे है कि इंडिया के जो गोल हैं, जो गोल है लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इस गोल को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि इंडिया जो है अपना गोल पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। देन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, जिसमें है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि एनर्जी का क्लाइमेट में काफी असर पड़ता है, तो इसीलिए जब एनर्जी एफिशिएंसी होगी इंडिया के पास अच्छी, जब ये गोल पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो क्लाइमेट एक्शन है उस पर असर नहीं पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसीलिए मैंने दिए। इतना ज्यादा इन रिपोर्ट्स को डिटेल में नहीं पूछा जाता है, कभी ये भी पूछा जाता है जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसने रिलीज की या एजर कौन रिलीज करता है, इतना भी पूछा जाता है। कभी कभार पूछा जाता है जैसे उसका फोकस क्या है ना, कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये वगैरह पूछे जाते हैं। तो अब मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए। टेक स्क्रीनशॉट। नाउ डिस्कस रिमेनिंग टू इंडाइसेस, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इट असेसेस द 62 इकोनॉमीज ऑन 10 पिलर्स, जो स्प्रेड हुए हैं सोसाइटी के 5 की डायमेंशंस पे, जिसमें सबसे पहले हेल्थ है, नंबर 2 एजुकेशन, उसमें एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे फोकस किया है, नंबर 3 टेक्नोलॉजी है, नंबर 4 वर्क है, इसमें अपॉर्चुनिटीज, वेज एंड वर्किंग कंडीशंस एट्सेट्रा पे फोकस है, नंबर 5 प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन है, इसमें सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है। इसका एक और पॉइंट है, डेनमार्क होल्ड दी फर्स्ट पोजीशन फॉलोड बाय फिनलैंड एंड स्वीडन, और इंडिया की जो रैंक है वो 76th है 82 में से। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल 1995 से, और ये रैंक करता है, रैंक्स करता है 180 कंट्रीज को, जो भी पब्लिक सेक्टर में जो भी करप्शन है उस पे, और यूजर्स करता है स्केल 0 to 100, 0 मींस हाईली करप्ट एंड 100 मींस वेरी क्लीन। और इसमें जो है हाईलाइट्स हैं इसकी कुछ, जिसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड टॉप पे हैं और उनको फॉलो करता है फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड, और साउथ सूडान और सोमालिया कंट्रीज जो हैं वो बॉटम पे हैं। इंडिया की जो रैंक है वो 80th रैंक है। ये भी इसके इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप कि ये आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे, एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स या इंडाइसेस हैं
उनको जो है बिल्कुल आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर सकूं, ताकि आगे किसी भी एग्जाम में कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से उसको हल कर सकें। और जो है कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक स्क्रीनशॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।